चुनाव आयोग ने आज 3 नवंबर को दिल्ली में 12 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, जिसमें उन्होंने आने वाले गुजरात विधानसभा चुनावों का अनाउंसमेंट करी। उन्होंने बताया कि गुजरात में जो विधानसभा चुनाव हैं वो 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को पिछली बार की तरह ही 2 चरणों में किए जाएंगे, और इसके साथ ही जो इसके नतीजे हैं वो हिमाचल विधानसभा चुनावों के साथ साथ ही गुजरात विधानसभा चुनाव के नतीजे भी 8 दिसंबर को हम सबके सामने होंगे। इसी के साथ उन्होंने कई अन्य जानकारियाँ भी हमारे साथ साझा करी। उन्होंने बताया कि इस बार जो है 324,000 से ज़्यादा नए वोटर्स जो हैं गुजरात विधानसभा में वो अपना मत देंगे, और उन्होंने पिछले बार की तरह बताया कि पिछली बार जो अल्पसंख्यक थे वो पीछे रह गए थे, लेकिन इस बार उनकी पूरी कोशिश रहेगी कि अल्पसंख्यक ट्रांसजेंडर्स और जितने भी जो पहले पीछे छूट गए थे उनकी भी अब वोटिंग्स पूरी तरह से इस गुजरात विधानसभा में की जाएगी। साथ ही उन्होंने कई हेल्पलाइन नंबर्स भी जारी करा। उन्होंने बताया कि अगर कोई भी शिकायत दर्ज करता है तो 1 घंटे के भीतर भीतर उस शिकायत को इलेक्शन आयोग या चुनाव आयोग जो है वो अपना पूरी तरह से उसको दूर करने की कोशिश करेगा। और ऐसे में अब देखना ही होगा कि गुजरात विधानसभा में किस पार्टी की सरकार बनती है। हालांकि जो 3 पार्टियां हैं, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, वहीं भाजपा, इन तीनों में सबसे भारी जो पलड़ा दिख रहा है वो अभी भाजपा का दिखाई दे रहा है। और अब ऐसे में ये देखना होगा कि 8 दिसंबर को कौन सी पार्टी गुजरात विधानसभा की सीटों पे अपना अमल पाती है। दिल्ली से कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ खबर टुडे न्यूज़ के लिए विशाल सिंह की रिपोर्ट।